दोस्तों आज की वीडियो में हम पल्सर N160 और पल्सर N150 दोनों बाइकों में फुल कंपैरिजन करने वाले हैं और साथ ही साथ इन दोनों की टॉप स्पीड कितनी है, इन दोनों की क्या ऑन रोड प्राइस है, इनका क्या माइलेज है और साथ ही साथ इन दोनों बाइकों में क्या कुछ फीचर दिया गया है, इस सारा कुछ डिफरेंस यहाँ पर आपको बताने वाला है। वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत हम पल्सर N150 से करते हैं। तो देख पा रहे हैं ये सामने से पल्सर N160 जैसा ही देखने में लगता है, यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया पल्सर N150 में। बाई फंक्शनल LED हेडलैम्प के साथ ये बाइक आती है। यहाँ पर ऊपर में नंबर प्लेट लगाने का आपको जगह मिलता है, साइड में आपको यहाँ पर DRL मिलता है जो कि पल्सर N160 में दिया गया है। इसका जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी तगड़ा है जो कि पल्सर N160 में आपको मिलता है। और वहीं पर अगर हम पल्सर N160 की तरफ देखें तो देख पा रहे हैं यहाँ पर भी कोई आपको डिफरेंस नहीं नजर आता है, बस यहाँ पर ग्राफिक्स में भी आपको सेम मिलता है लेकिन कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पर कलर मिलता है। अगर हम नीचे थोड़ा सा देखते हैं पल्सर N160 में तो देख पा रहे हैं यहाँ पर मडगार्ड आपको आधा मिलता है जो कि आधा ग्लोसी में और आधा फाइबर आपका मेट में मिल जाता है। देखने में काफी खूबसूरत लगता है और यहाँ पर थोड़ा सा आपको ग्राफिक्स मिलती है और ये फुल्ली फाइबर में आपको देखने को मिलता है। वहीं पर पल्सर N150 में भी आपको फ्रंट का मडगार्ड सेम देखने को मिल जाता है। दोनों ही बाइक दोस्तों चार कलर ऑप्शंस में आपको यहां पर मिल जाएंगे और दोनों ही बाइक की जो प्राइस है दोस्तों वो 10,000 के आसपास डिफरेंस आपको मिल जाएगा। इन दोनों बाइक की अगर हम डायमेंशन देखें दोस्तों तो यहां पर पल्सर N150 में आपको 1392 mm का व्हील बेस मिल जाता है और वहीं पर पल्सर N160 में आपको 1358 mm का व्हील बेस मिलता है। सीट हाइट की अगर हम बात करें तो पल्सर N150 में आपको 790 mm का सीट हाइट मिलता है और पल्सर N160 में आपको 795 mm का सीट हाइट मिलता है। यहाँ पर 5 mm का आपको डिफरेंस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो पल्सर 150 में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और वहीं पर पल्सर N160 में भी आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस में यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस नहीं नजर आता है। और वहीं पर अगर हम कर्व वेट की बात करें तो पल्सर 150 में आपको 145 kg की आती है पल्सर N150 और वहीं पर पल्सर N160 154 kg की आती है जो कि डुअल चैनल ABS के साथ आती है। और इसी का अगर आप सिंगल चैनल ABS लेते हैं तो ये आपको 152 kg की आती है। यहाँ पर भी आपको 10 kg का डिफरेंस नज़र आता है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी दोनों ही बाइक की सेम है, दोनों ही बाइक आपको 14 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आती है। पल्सर N150 में आपको टेलीस्कोपिक 31 mm का सस्पेंशन मिल जाता है, नीचे रिफ्लेक्टर मिल जाता है। ये बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। यहाँ पर 260 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है और ये बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 90/90/17 की है, ट्यूबलेस टायर आती है 17 इंच की अलॉय व्हील के साथ आता है और व्हील का स्टिकर आपको डुअल टोन में मिल जाता है। और वहीं पर पल्सर N160 में आपको टेलीस्कोपिक 37 mm का सस्पेंशन मिल जाता है, रिफ्लेक्टर मिल जाता है और ये बाइक डुअल चैनल ABS के साथ आती है और यहाँ पर आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है और नीचे स्टिकर मिल जाता है, ग्राफिक्स मिल जाते हैं व्हील में। यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। पल्सर N160 की इंजन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ट्विन स्पार्क वाला इंजन यहाँ पर आपको मिल जाता है जो कि डबल प्लग के साथ है और यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको एक रेडिएटर मिलेगा क्योंकि ये जो बाइक है ये ऑयल कूल में आती है। अगर इस बाइक की इंजन स्पेसिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर आपको 164.82 cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ऑयल कूल FI इंजन मिल जाता है, BS6 वाला, BS7 भी बोल सकते हैं, जिसमें आपको डुअल स्पार्क प्लग मिल जाता है। और अगर इसका मैक्स पावर की हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो मैक्स पावर है दोस्तों वो 16 PS का है, 8750 RPM पर काम करता है। और अगर मैक्स टॉर्क की अगर हम बात करें तो 14.65 Nm टॉर्क जनरेट करता है ये 6750 RPM पर। और वहीं पर पल्सर N150 के अगर इंजन पावर देखें तो यहाँ पर आपको 149.68 cc का एयर कूल 4 स्ट्रोक 2 वेल सिंगल सिलेंडर FI इंजन आपको मिल जाता है जिसका मैक्स पावर है 14.5 PS 8500 RPM पर काम करता है और जिसका मैक्स टॉर्क है 13.5 Nm 6000 RPM पर काम करता है। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ दोनों ही बाइक आती है। इंजन पावर में दोस्तों ये पल्सर N160 से कम यहाँ पर नजर आ रही है, टॉर्क में भी कम है, पावर में भी कम है और CC में भी N160 से ये पल्सर N150 कम नजर आ रही है। दोनों ही बाइक में आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है और दोनों ही बाइक में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है और दोनों ही बाइक में आपको
ग्लेडर पैटर्न में एलईडी टेल लैंप देखने को मिल जाता है। पल्सर N150 के अगर हम टायर की बात करें तो यहाँ पर आपको 90-90-17 का ट्यूबलेस टायर रियर में मिल जाता है और 130mm का ड्रम ब्रेक आपको रियर में देखने को मिल जाता है। और वहीं पर पल्सर N160 के अगर हम रियर टायर की बात करें तो यहाँ पर आपको 130-70-17 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है और यहाँ पर आपको 230mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है पीछे में। और डुअल चैनल ABS के साथ आती है पल्सर N160 और पल्सर N150 जो है सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। दोनों ही बाइक में आपको टायर हगर देखने को मिलता है और दोनों ही बाइक के फुटरेस जो है एडजस्टेबल है और दोनों ही बाइक के चारों इंडिकेटर फ्लेक्सिबल आपको मिल जाते हैं। और दोनों ही बाइक में आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका RPM मीटर है, यहाँ पर गियर इंडिकेटर दिखाता है, यहाँ पर आपको मीटर दिखाता है, यहाँ पर माइलेज दिखाता है, ABS का लाइट दिखाता है, चेक इंजन लाइट दिखाता है, बैटरी दिखाती है और साइड स्टैंड कटआउट दिखाता है, रियल टाइम माइलेज दिखाता है। इसमें सारा चीज जितना भी जरूरी फंक्शन है इस बाइक में आपको मीटर कंसोल में देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है जो कि आप अपने मोबाइल को बहुत आसानी से यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। ये सभी फंक्शन दोस्तों दोनों ही बाइक में आपको देखने को मिल जाती है। हैंडल बार की अगर हम बात करें तो काफी खूबसूरत सा यहाँ पर हैंडल बार आपको देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर इंजन किल स्विच मिल जाता है, यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्विच मिल जाता है और साथ ही साथ इधर आते हैं तो यहाँ पर आप ये हाई बीम लो बीम का मिल जाता है स्विच, यहाँ पर पासिंग स्विच मिल जाता है, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर का स्विच मिलता है। हॉर्न देख पा रहे हैं, हॉर्न दोस्तों काफी लाउड है इस बाइक में। पल्सर N150 में आपको 50 से 55 तक की माइलेज बहुत ही आसानी से दे सकती है। अगर हाईवे में इसको ठीक ठाक अगर आप चलाते हैं तो आप इस बाइक से 55 के माइलेज बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये बाइक की टॉप स्पीड दोस्तों 110 किलो प्रति घंटा की स्पीड से इस बाइक की टॉप स्पीड हो सकती है दोस्तों। ये बाइक का जो एक शोरूम प्राइस है वो 1,20,000 के समथिंग है और इसका ऑन रोड प्राइस हमारे दुमका बजाज शोरूम में 1,37,115 रुपया है। पल्सर N150 में आपको सिंगल सीट और सिंगल ग्रेबरल देखने को मिल जाता है, वहीं पर पल्सर N160 में आपको डुअल सीट और डुअल ग्रेबरल देखने को मिलता है और प्राइस में भी यहाँ पर आपको काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। पल्सर N160 का ऑन रोड प्राइस हमारे दुमका शहर में बजाज शोरूम में 1,45,000 रुपया है और इस बाइक का जो टॉप स्पीड है दोस्तों ये 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है और ये आपको 45 की माइलेज बहुत आसानी से निकाल के दे देगी अगर ये बाइक को आप हाईवे में चलाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमने फुल कंपैरिजन दोनों का हमने बता दिया है, फुल डिटेल्स हमने बता दिया है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो हमारा फेसबुक पे देख रहे हो दोस्तों पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।